अस्सलाम वालेकुम सबको, रमज़ान मुबारक। बस जनाब, मैं घर पहुंची और उसके बाद फिर निकलना पड़ा क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, कुछ और काम था। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग भी एक छोटा सा बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरी दिन भर की मसरूफियत क्या रहती है। और जनाब, रात से ही तकरीबन बारिश शुरू थी और आजकल के जो रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। गो के कहना ये चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड रेन्स चल रही हैं, हालांकि नहीं होनी चाहिए, फसलें पक चुकी हैं और उनको अभी सही ठीक ठाक किस्म की धूप लगनी चाहिए ताकि गंदम बन जाए और बाकी फसलें भी पक के तैयार हो जाएँ। बट वट टू डू, कुदरत के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते और जैसा वो हमें जिस ट्रैक पे चलाएगी तो हमने उसी ट्रैक पे चलना है। तो खैर, बस अब यही कर रहे थे कि इंजॉय कर रहे थे वेदर को और शुक्र भी अदा कर रहे थे कि रोज़ा अच्छे से गुजर रहा है और हमें भूख प्यास कोई भी एहसास नहीं हो रहा कहीं भी। तो जना, बस यही सारी लाइफ है और इसी तरीके से चलती हैं। हमें हर मामले में शुक्रगुजार होना चाहिए अपने रब करीम का, अपने अल्लाह ताला का, प्यारे अल्लाह ताला का। और बस अब मैं सोच रही हूँ कि ग्रीनरी तो आपको बड़ी दिखा दी खूबसूरती भी दिखा दी, तो अब वापसी का इरादा है और वापस अब घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाके इफ्तारी की तैयारियाँ वगैरह भी करनी हैं और बहुत कुछ करना है क्योंकि रोज़ा है। और सुबह का काम, मेरा तरीका ये होता है कि कुछ काम है सुबह निपटा लेती हूँ और फिर फाइनल टचेस जो होते हैं यानी फ्राइंग वाले काम, वो फिर मैं शाम में करती हूँ ताकि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये होता है कि जहाँ 2 घंटे एक ही टाइम में लगने होते तो घंटा मेरा सुबह लग जाता है प्रिपेयर करने में। और सुबह मीन्स के जब मैं उठ जाती हूँ तो उसके 1 घंटे बाद, और शाम को भी 1 घंटे। मेरे तो गर्मी की छुट्टियों में ही पेपर है, सारी गर्मी की छुट्टियां हैं। कोई नहीं, तुमने तो जाना, फिर आ जाना वापस। तुमने कौन सा पूरा दिन गुजारना है? ये कहना आसान है बहन, 3-4 घंटे इतनी गर्मी में बंदा पेपर दे, लाइट भी जाए ऊपर से कम वक्त वो शहबाज शरीफ लोग आ गए, अजीब। स्कूल की जनरेटर्स पे भी कोई भरोसा ना करो, वो खराब हो जाते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं, चलते नहीं, हमें तो ऑडिटोरियम में करवाएंगे ना वो बोर्ड के पेपर। इतने लोग, इतने गर्म और ऊपर से इमेजिनेटर सखी नजर से दोनों अलग चीज है भाई, एक मैट्रेस टाइप होता है ऐसे खुल गया होता है और एक होता है बेड के। ओए मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा वुड यू रादर हैव दैट पूरा ड्रेस और फटाफट ड्रेस, फटाफट जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं जो पुराने जमाने के पहनते थे, वही पहन लूंगी। फटाफट नहीं, फटाफट क्यों पहनूं भाई? और नहीं फटाफट नहीं, वो जो स्टाइल नहीं होती है जीन्स फटी भी, ना 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 ना, वो बड़ा पुराना, बहुत पुराना स्टाइल हो गया। आजकल लोग वही पे अटके, उनकी सुई वही अटकी हुई है, फटाफट जीन्स अभी भी चल रहा है। तो बंदा कहे जाओ सामने ना स्ट्रीट पे खड़े हो जो सिग्नल पे, और फिर आजकल तो शर्ट्स पे फाड़ने वाला आ गया। मुझे ड्रीम, इसने ड्रीम में सोचा था, इसने कहा था, इसने ड्रीम में कहा था, मैं नायक काबिल चीज की, इसने कहा था क्या, इसने कहा था मुझे गाली दी थी। समझ ही नहीं आई मुझे, 70 times 74 जो बातें करता उसका रोजा टूट जाता है। किसने कहा? मेरा रोजा है ही नहीं। उसमें स्पीच होती है, उसमें उसने कहा कि मेरी दादों से मिला, उसकी दादों पर बहुत लंबी स्पीच करती है, फिर बाकी सारा व्लॉग शुरू होता है।
नहीं मुश्किल खत्म हो बंदी के ऊपर साइकिल चढ़ा के उसके बाद अपने घर पहुंच के अपने दादो के पास जाता है। को बुलबुले भी लगाए हैं साउंड इफेक्ट लगाया बहुत परफेक्ट। हाँ ये चढ़ाई चढ़ा भी नहीं भाई अपनी बहन को नाइट डज नॉट केयर जाओ मना सबसे ऊंचा है। सलाम अलैकुम। और इस तरह से हमने टेबल लगा ली है, अब बाकी चीजें फिर आपको। अच्छा जी, कबाब कढ़ाई जो है वो हमने बनाई और चावल जो है वो हमने भिगो दिए थे और ये आटा गूंद लिया है ताकि अगर किसी को कबाब कढ़ाई के साथ चपाती चाहिए हो तो वो हम बना लें। तो ये मसाला भुन चुका है, पीछे राइस को हमने यखनी में उबाला है और ये देखें कितना मतलब अच्छा भुन चुका है। और ये जो है ये बिरयानी के लिए हमने पहले से मसाला बना लिया। और पकोड़े और शामी जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं और अब रेडी हैं कि हम इनको प्लेट्स में निकालें। और जनाब ये देखें साथ साथ चपाती भी लग रही है क्योंकि अब दो तीन मिनट कोई पाँच छः मिनट ही रह गए हैं और टेबल भी लग चुकी है और साथ साथ सारे काम हम कर रहे हैं। अच्छा आपको बता मैं पूरी अर्थ खरीदने वाला और वो मुझे हो जाएगा ठीक है। अच्छा मैं अर्थ खरीद लूंगा, अभी मैंने 5 लाख 10 लाख खरीद लिए और आप कितने का है? आप कंट्रीज की बात कर रहे थे, आपको पता है पाकिस्तान के कितने फ्रेंड्स बताता अफगानिस्तान इसलिए नहीं है इसलिए उसने हमारे ऊपर टैरिफ फेंके, उसने हमने भी उसके ऊपर टैरिफ फेंके। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता था इसलिए अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर केयर फेंका इसलिए अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड है, तुर्की हमारा थोड़ा बहुत फ्रेंड है, जापान भी हमारा फ्रेंड है और चाइना भी फ्रेंड है हमारा, रशिया भी फ्रेंड है और उज़्बेकिस्तान भी है, तजिकिस्तान भी है, कर्गिस्तान भी है, बस बाय बाय। अच्छा जी, फिर हम इफ्तारी के बाद लेयर्स आ गए और यहाँ आके हमने कहा मुंह मीठा करें, कुछ केक शेक ले लें या फिर ब्राउनीज वगैरह ले लें, तो अब वो हम चूज़ कर रहे हैं। यकीन माने लेयर्स वाली शॉप में अगर हम या किसी भी बेकरी की शॉप में अगर हम दिन में चले जाते रोज़े की हालत में तो इस तरह साबिर रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। ये तो चले इफ्तारी के बाद हम लोग यहाँ आए कि थोड़ा सा कुछ डिज़र्ट वग़ैरह का किस्सा पूरा कर लें और इसलिए हम बड़े सुकून से और आराम से खड़े थे। चेक कराओ जरा, चेक कराओ अपने नाम या ये नेल पॉलिश खराब हो गया प्यारा शेड है यार। थैंक्स, लेकिन यहाँ से नेल पॉलिश खराब हो गया यार, मेरा भी सेम ही फ्लेयर ब्राउन कलर लग रहा था यार। वैसे तुम पे स्वेटर सही लग रहा है। मम्मा मम्मा की आंखें नींद से भरी हुई हैं। वो सेम है, सेम है। वाओ मेरे कल आप के भी बेबी हैं जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।